राज्य में डेल्टा प्लस मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हुई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नहीं घबराने का दिया आश्वासन। दो वैक्सीन लगवा चुके नागरिकों को पास के साथ टिकट भी मिले। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगबात ने की मांग। पुणे के ग्रामीण भागों में आज से अनलॉक की शुरुआत। सभी दुकानें, मॉल, होटल्स और मार्केट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी लंबी लाइनें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मंदिर खोलने की मांग। का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मंदिर खोलने में सरकार को क्या दिक्कत। महाराष्ट्र के अफगानी छात्रों को मिलेगी सुरक्षा। आदित्य ठाकरे ने दिया मदद का भरोसा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दिया करारा जवाब। कहा, पवार बड़े नेता है, उनके ऊपर निशाना साधने की जरूरत है क्या। मुंबई में कल कोरोना के 198 मामले आए सामने। 304 मरीज हुए ठीक और 2 लोगों ने गवाई जान। ठाणे में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 4 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज। कल यात्रा में कोरोना नियमों की उड़ी थी धज्जियां। जन आशीर्वाद यात्रा में आदिवासी महिलाओं संग केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने किया डांस। वीडियो हुआ वायरल।